देव जैसे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए सारे भक्त ललायित रहते हैं, वैसे आपके दर्शन के लिए सारे भक्त ललायित हैं। मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि आपसे थोड़ा बात करूँ। तो गुरुदेव, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपसे 2 साल हुए गुरु बनाने से आपका चरण पूजन नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा चरण पूजन करने का थोड़ा अवसर दें। और गुरुदेव, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं योग का प्रचार करती हूँ। अच्छा। योग का छोटा सा चैनल है, तो मैं सारे भक्तों का रोग पीड़ा देख के, मैं कल देखी थी एक बाबा यहाँ पे रो रहे थे कि उनकी पत्नी का सिर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने प्राणायाम बताया उनको, तो ये अच्छी बात है, सबको इस तरह से योग करना चाहिए। तो मैं योग का थोड़ा प्रचार करती हूँ, अपने सोसाइटी में भी सारे माता बहनों को मैं योग कराती हूँ। तो गुरुदेव, मैं आपके थ्रू सबको भक्तों को बोलना चाहती हूँ कि सभी योग से जुड़े और अपने आप से उनको स्वस्थ और निरोगमय बनाए। जब तक आप सभी योग नहीं करेंगे, तब तक आप सभी बीमारी से मुक्ति नहीं पाएंगे। भगवान से प्रेम तो आप सभी करते ही हैं, गुरुदेव से तो प्रेम करते ही हैं, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमेशा निरोगमय रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो अभी सभी देशवासियों और भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, सभी योग से जुड़िए, प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जिन माताओं को कल सिर में दर्द था उनको आधा घंटा करीबन अनुलोम विलोम करें। और भस्त्रिका, गुरुदेव ने बताए थे भस्त्रिका, और आप सभी को अगर नहीं आता तो यूट्यूब चैनल है मेरा श्री गोविंद दासी गीता करके, उस चैनल में जाएं और अपने आप को सर्च करके योग करें। तो गुरुदेव, मैं आपसे यही करना चाह रहा हूँ। और मेरा परिचय गुरुदेव, मेरी एक लड़की है, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, 2nd ईयर में है, वो भी कल आ रही है आपके दर्शन के लिए, और मेरा एक लड़का है 10th में, तो गुरुदेव उसको थोड़ा सा आप समझाइए, थोड़ा शरारती है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे बेटे को थोड़ा समझाइए। खुश रहिए। मेरा बेटे का नाम सुधांशु घोष है। कहाँ बेटा? बेटा रूम पे ही है, नहीं आया। चलिए, आए तो बात कर, बेटा मैया से बात कराना। गुरु जी जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आया हूँ, और गुरु जी मैं शराब और मांस बहुत खाता पीता था। 4 साल से लगातार कथा सुन सुनकर यूट्यूब और टीवी के माध्यम से गुरु जी पूरा बदल गया हूँ मैं। वाह, सुंदर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे अभी होली और दशहरा के त्यौहार में गांव के, अपने छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर गुरु जी अगल बगल वाले लोग बकरे को काटते हैं देवी देवता में, तो गुरु जी वो क्या सही है? गलत है। किसी की हत्या करना सही हो सकती? सही नहीं है गुरु जी। फिर कॉमन सेंस है, किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकती है? सही नहीं है। चलो। और गुरु जी, एक छोटा सा और तीसरा प्रश्न, गुरु जी हमारे यहाँ अपने घर में वो किसी का डेट हो गया था, और माता जी भी आई हुई हैं, बताते हैं बहन जी है, और तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। हाँ। तो गुरु जी त्यौहार बंद है कृष्ण जन्माष्टमी, तो गुरु जी आप बताएं। नहीं नहीं, त्यौहार क्यों बंद करना, अच्छे काम चालू रखो, बुरे काम बंद करो, खुश रहो। गुरु जी मैया को देना माइक। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम आपको। गुरु जी, मैं वृंदावन पहले बार आई हूँ। हाँ हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा गुरु जी, 2 साल से आपकी कथा सुन रही थी, आप सपने में बहुत बार आते थे, कान मोड़ के मेरे को आप गुरु मंत्र दिए, तो मैं तो आप आती नहीं थी तो हम ही पहुँच गए आपके सपने में। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि लोभ और मोह में क्या फर्क है? किसमें? लोभ और मोह में। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा गुरु जी। भाई लोभ, आदमी को किसी का भी लोभ, पुत्र का लोभ, परिवार का लोभ, धन का लोभ, लोभ है। और मोह, पहले आदमी बहू के बेटा चाहता है, बहू के बेटा हो जाए, मतलब बेटे का लोभ, फिर जब हो जाता है तो उससे प्रेम कर लेता है, उसके बिना कैसे खाएंगे, उसके बिना कैसे रहेंगे, ये मोह में फंस गए। तो लोभ और मोह ये है। गुरु जी, सबसे सरल भक्ति कौन सी है? सेवा। सेवा। गुरु जी, घर में बच्चे लाइव देख रहे हैं, राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। ये मेरी बहन। राधे राधे गुरु जी, जय श्री मन्नारायण। खुश रहो। और किसका सवाल है? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री राधे। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, पिताजी 6-7 वर्ष हो गए एक्सपायर हो गए हैं, सपने में आते हैं, उसके लिए क्या उपाय है? उनकी सदगति के लिए प्रयास जो आप कर सकें कर लो। जी गुरु जी। जी राधे राधे। खुश रहिए।
गुरुजी राधे राधे। हाँ हाँ मैं अभी बात करेंगे आपसे, अंदर अंदर बैठेंगे तो बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके छोड़ो दो कोटि कोटि नमन। खुश गुरुजी, हम रायबरेली से आए हैं, रायबरेली से लखनऊ पास। गुरुजी हमको 6 महीने हुए आपकी कथा सुनते हुए और इतना बदलाव आया गुरुजी, इतना बदलाव आया कि आपसे हम कुछ कह नहीं सकते गुरुजी। और यहाँ पहली बार आए गुरुजी, बहुत लड़ाई होती थी हमारे घर पे, बहुत दुखी थे हम, बहुत रोते थे। गुरुजी आपके चरणों में जब से आपकी कथा सुन लिया गुरुजी, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा, खुश रही, कथा से बदलाव हुआ बहुत ज़्यादा गुरुजी, हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुश रही गुरुजी। ये मेरे पति जी, इनसे थोड़ी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी, बस आशीर्वाद चाहते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खुश रहिए, और पीछे मैया खड़ी उनसे बात कराओ, जल्दी जल्दी बात कर लेना मैया। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ हम पहली बार आज आए हैं, हम छिंदवाड़ा से आए हैं, मतलब हमको बहुत बचपन से बहुत शौक था वृंदावन जाना, लेकिन अभी मिल पाया हमको, तो अभी हम आज पहली बार आपके सत्संग में आए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सत्संग ही बरसाना जाए, गोकुल जाए, लगता है कहाँ धक्के खाएं, सब कुछ तो यहीं पर है, ऐसा लग रहा है, तो क्या करना चाहिए। अच्छा है आप सब यहीं हैं, ये सही है, पर फिर भी आप आए हैं, यदि आपका मन है तो आप जी सब। लेकिन मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसी घबराहट सी होती है भीड़ भाड़ से, तो लेकिन यहाँ भी भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो अच्छा है। और हमारी माता जी आपकी बहुत बहुत बड़ी, मतलब हमेशा आपका सत्संग देखती रहती हैं, और आपको तो फिर, और इनके साथ में ऐसा हुआ है कि हम बेटी हैं तो हमारे घर में है इनके, तो इनके बेटे समझते हैं कि हम इसलिए इनको अपने पास रखे हैं कि हमको लालच है इनकी जायदाद से, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये अपने घर अकेले जाके गांव पे जहां हमारे पिताजी रहते थे वहां रहना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं, गांव में कोई भी नहीं है मतलब वहां पर, तो और हम बोलते हैं कि आप मत रहो, हमारे साथ रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, सब कुछ आप अपने बेटे को दे दो, फिर भी ये नहीं सोचती हैं, सोचती हैं हम अकेले रहे वहाँ पर, तो इनको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कराओ बात। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी। हाँ मैया। अकेले रहोगी? कोटे कोटे है। खुश रहो, अकेले रहोगी? अकेले तो मन नहीं करता रहने का, लेकिन थोड़ा वहाँ यही है कि अपना थोड़ा सोचते। तो बेटा आपका सेवा करता है नहीं करता? हाथ पर चलता है, तब तक थोड़ा सा देख ले। ठीक है, बेटा सेवा करता है? बेटा 5 सालों से छोड़ दिया है। हाँ। बेटा आपका 5 सालों से छोड़ दिया है, इनको फोन भी नहीं करता है, पूछता भी नहीं। चलो बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। हाँ। लड़का नहीं सुनता, लड़का बहुत नहीं है, तो अब आप यदि बेटी सेवा, बेटी की सेवा। हाँ, आपको अच्छी लगे? करती है बेटी, करती है सेवा। तो आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, बेटी से करती तो है। फिर घर जाने की, गांव जाने की क्यों जिद करती है? वहाँ है तो उसी के लाने सोचते हैं कि बहुत बहुत मोह है इनको अपने जायदाद से, जमीन जायदाद से, और हम सोचते हैं कि वो सब छोड़ दो, तुम आराम से रहो। अब मैं अपनी तैयारी में लगो, मेरी माँ भगवान का चिंतन करो, जमीन जायदाद सब छोड़ दो, अब जैसे देना लेना है दे दो, और भगवान में मन लगा लो। अब मन में वही है कि किसी को हम उसके हिसाब से दान कर दें, बस जो भी जैसा है, या उसको निकाल दे उसी पैसे से हम अपना ये दान पुण्य करें, थोड़ा यही मन में हमारे है। हाँ तो जो आपको करना है कर लो, समय रहते भगवान में मन लगाओ, बस हम सब सबसे मन हटा लो। अब हमको आशा नहीं थी कि आपका दर्शन होगा, लेकिन अब बिहारी जी की कृपा थी कि दर्शन हो गए, मैं बहुत परेशान थी आपके दर्शन के लिए, खुश कैसे होगा। खुश रही, राधे राधे जी। मैं मुंबई से आई है, मुंबई से आई है, मेरा जरा तकलीफ है कि मेरा बच्चे को नौकरी चली गई है उसके वजह से, और मेरा मन बहुत था मैं इधर वृंदावन में आएगी करके। मैया लग जाएगी, चिंता ना करो, भगवान का चिंतन, धाम में आके भगवान का आनंद लो, नौकरी चाकरी